कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे पहले पहले 70-80 बरस रह लेंगे संसार में, फिर चले जाएंगे वृंदावन। और जो उनसे थोड़े समझदार हैं वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पहले बाकी सब काम कर लेंगे फिर अंत में भजन कर लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो माला झोली लेकर बिस्तर में ही जाते हैं सीधा। हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ। मैं तो कहता हूँ खूब सेवा करो, सबकी सेवा करो, पर अपने जीवन में पहले स्थान पर भजन को रख लीजिए। मैं कहता रहूं आप सुनते रहें, और कोई कहता ही है और कोई सुनता ही है, ये कहना सुनना तो सदा से हुई रहा है। पर मैंने कहा ना, जब जीवन में सच्चा संत आता है, जब ये बात ये शब्द किसी अनुभव प्राप्त महापुरुष के मुख से निस्सृत होते हैं, तब आपके भीतर जाते हैं, तब ये सोए जीव को जगाते हैं। आप भगवान से कृपा की याचना करते हो, अरे जिसको भगवान ने भारत भूमि पर मनुष्य बना दिया है वो तो, ये तो कृपा का अतिरेक है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, अनेक अनेक बार मैंने आपसे कहा कि भाई आप में संसार को प्राप्त करने की सामर्थ्य हो कि ना हो, पर भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य तो है, आप भगवान को पा सकते हो। आप कभी इस बात का विचार करो कि आपको प्रभु ने वो सब सामग्री दी है जिसका सदुपयोग करके आप भगवान को पा सकते हो, आप प्रभु के हो सकते हो, आप सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त हो सकते हो। वही बात संत कह रहे हैं, जैसे ध्रुवदास जी को दुख होता है, ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई तो हो ना चाख्यो प्रेम रस, कह रहे अरे ताको रहिए रोई। संत को दया आती है तो रस खान कहते हैं, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुपार। सोम से सील प्रताप दिनेश से, तुलसी बाबा कहते हैं, और मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। अगर ये ऐते भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। संत की बात सुनकर ये बात समझ में आती है, भाई ये मनुष्य का शरीर, ये जीवन, ये अवसर प्रभु ने दिया ही क्यों है। हम रखते हैं जीवन में भजन को सबसे अंतिम नंबर पे, सबसे आखिरी में भजन है, बाकी पहले सब कर लेंगे फिर। कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे पहले पहले 70-80 बरस रह लेंगे संसार में, फिर चले जाएंगे वृंदावन, फिर जाकर भजन करेंगे। और जो उनसे थोड़े समझदार हैं वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पहले बाकी सब काम कर लेंगे फिर अंत में भजन कर लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो माला झोली लेकर बिस्तर में ही जाते हैं सीधा, सारे दिन का काम करके और फिर माला झोली लेकर बैठेंगे बिस्तर में, चलो सोने से पहले थोड़ा भजन कर लेंगे, और बस माला हाथ में आते ही और 2-5 मिनट में जय राम जी की। तो कुछ ऐसे हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल अंत में, बोले अंत में भजन करेंगे, पहले बाकी सब कर ले। एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, शून्य के पीछे शून्य लगाते चले जाओ, क्या मोल है उसका, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, 100,000 लगा दो वो शून्य ही तो है, और आपने सबसे अंत में एक लगाया, पहले 100 शून्य लगा के फिर अंत में आपने एक लगाया, बराबर में कितना हुआ, एक। और वहीं प्रभु अवसर दे रहे हैं कि उस एक को अगर आप पहले लगा दें तो एक के बाद लगने वाला हर शून्य उसका मूल्य बढ़ाता चला जाएगा कि नहीं, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। ऐसे हमारे तुलसी बाबा कह रहे कि राम नाम एक अंक है और सबै अंक सून, अरे अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, राम नाम एक अंक है। पहले भजन कर लीजिए, उसको महापुरुषों ने एक कहा है, वो एक है, एक गुरु साहब कह रहे ना, एक ओंकार वो एक है, भगवान स्वयं कह रहे एक ओहम द्वितीयो नास्ति, एक, उस एक को पहले नंबर पर रखिए, अंत में नहीं, पहले नंबर पर एक हो, एक, फिर करो सब काम अपने। हमने तो आपसे कभी कहा ही नहीं, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ। मैं तो कहता हूं खूब सेवा करो, सबकी सेवा करो, पर अपने जीवन में पहले स्थान पर भजन को रख लीजिए।